गोवन वार्ता लाइव चे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून लेटेस्ट वीडियो चे नोटिफिकेशन मिळवा। आम आदमी पार्टी चे नेते आणि दिल्ली चे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी जय भंडारी असा नारा दिलाय। आगामी विधानसभा निवडणुकीत भंडारी समाजाचा नेता आम आदमी पार्टीचा मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा असेल तर ख्रिश्चन नेता उपमुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार असेल असं सिसोदिया यांनी जाहीर केल्यानं राज्याच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली। भंडारी समाज से केवल एक बार सीएम रहे, वो भी ढाई साल के लिए, रवि नायक जी। यानी 60 साल में पूरे 5 साल के लिए अभी तक गोवा में भंडारी समाज से एक बार भी कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बना। हम सब जानते हैं, आप सब जानते हैं मुझसे बेहतर, कि गोवा में ज़्यादातर लोग बहुजन समाज से आते हैं और बहुजन समाज में भी सबसे ज़्यादा संख्या, ओबीसी समाज में सबसे ज़्यादा संख्या भंडारी समाज के लोगों की है। गोवा की टोटल आबादी का देखें तो 30% से ज़्यादा समाज भंडारी समाज से है, और गोवा की अभी तक की यात्रा में भंडारी समाज ने बहुत अहम योगदान दिया है। फिर भी अभी तक किसी पार्टी ने भंडारी समाज से किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। भंडारी समाज गोवा को खड़ा करने में बहुत अहम भूमिका निभाता रहा है, लेकिन गोवा की अभी तक की राजनीति में भंडारी समाज को वो जगह नहीं मिली। इसकी वजह से भंडारी समाज के लोगों में बहुत निराशा भी है और गुस्सा भी है। हमारी पार्टी में भंडारी समाज के काफ़ी लीडर्स हैं, काफ़ी कार्यकर्ता हैं। मुख्यमंत्री जी भी जब पिछली बार आए थे, अरविंद केजरीवाल जी, तो वो समाज के लोगों से मिले थे। सबकी मांग थी कि आम आदमी पार्टी आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री चेहरा भंडारी समाज से बनाए। आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा भंडारी समाज के किसी व्यक्ति को बनाएंगे, भंडारी समाज से एक व्यक्ति को बनाएंगे। हम जाति की राजनीति नहीं करते, पर अगर किसी समाज के हिस्से को ये लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, स्थापित राजनीति ने इतिहास में, पूरे इतिहास में उसके साथ अन्याय किया है, उसके साथ जस्टिस नहीं किया है, और उसके अंदर इसको लेके निराशा और गुस्से की भावना है, तो उसको भी समाज के साथ लेके चलना हमारी जिम्मेदारी है। हम इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हम भंडारी समाज से ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे जिस पर पूरे गोवा को गर्व होगा, जो पूरे गोवा के सब लोगों को साथ लेके चलने की क्षमता रखेगा, जो गोवा के विकास के लिए दिन रात मेहनत करके काम करेगा, उस पर पूरे गोवा को गर्व होगा, पूरी तरह से ईमानदार होगा, और हर जाति हर धर्म के लोग उस पर खुद गर्व करेंगे। पार्टी ने यह भी तय किया है कि आने वाले चुनाव के लिए उप मुख्यमंत्री कैथलिक समाज से रहेंगे। काही दिवसापूर्वी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ते गोव्या दौऱ्यावर होते, आणि त्या गोव्या दौऱ्यामध्ये त्यांनी जे भंडारी समाज जो गोव्यात आहे त्यांच्या लोकांना ते भेटले, त्यांचे जे ग्रिव्हियन्सेस असतील, त्यांचे इश्यूज असतील, ते त्यांनी जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला। आणि आज दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री तसेच आपचे लीडर, आपचे नेते मनीष सिसोदिया हे गोव्यात आहे, आणि आज पत्रकारांना संबोधित करताना त्यांनी असे घोषणा केली आहे की येत्या विधानसभा इलेक्शनमध्ये त्यांचा जो सीएमचा कॅन्डिडेट असणार, सीएमचा फेस जो असणार, तो भंडारी समाजातील एक व्यक्ती असणार, तसेच जो डेप्युटी सीएमचा जो फेस असणार तो म्हणजे कॅथलिक समाजातील असणार, अशी त्यांनी आज घोषणा केली आहे। तसेच त्यांनी अशी पण घोषणा केली आहे की मंत्रिमंडळात सर्व जे सर्व समाजातील जे लोक असतील त्यांना ते घेऊन पुढे जाणार, आणि मंत्रिमंडळात त्यांना एक ते एक ऑपॉर्च्युनिटी देणार पुढे जाण्यासाठी। आणि या इलेक्शनमध्ये आपने एक कॅम्पेन, एक मिशन लॉन्च केलं आहे, ते म्हणजे मिशन युनायटेड गोवा। आणि ह्या मिशनच्या अंडर आपचे जे कार्यकर्ते आहेत ते येत्या विधानसभा इलेक्शनमध्ये या मिशनच्या अंडर ते काम करणार आहेत। मी व्हिडिओ जर्नलिस्ट नाही पण तरी गोवन वाटतं लाईव्ह पणजी।